हेलो दोस्तों, मैं ताहर हुसैन। वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज स्किल। तो आज हम टैली में मेंटेन कास्ट सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हमारी टैली ओपन हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीखें। जो ना समझ में आए हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अभी हमारी टैली ओपन हो रही है, ओपन हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड शो हो रहा है। अभी हमने इस पे इंटर किया और ये ओपन हो रहा है। ये हमारा ओपन हो गया। हमेशा की तरह पिछली कंपनी हमारी ओपन होती है, तो अभी भी हमारी पिछली कंपनी ओपन हो रही है। तो इसको सेट करने के लिए Alt प्लस F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सेट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, उस पर इंटर करेंगे एक बार और। इंटर, कंपनी हमारी सेट हो गई है। अब हमें कंपनी को क्रिएट करना रहता है। कंपनी क्रिएट कंपनी पे इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अभी हम अपना कंपनी इंटर कंपनी का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। अभी फ़िलहाल मैं ABC ही रखता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद इस्केप पे प्रेस करेंगे तो गेटवे ऐप टैली आएगा। गेटवे ऐप टैली से पहले हम F11 प्रेस करते हैं कास्ट सेंटर को ओपन करने के लिए, जो हमारे अकाउंटिंग फीचर में मिल जाएगा आपको। जब हम अकाउंटिंग फीचर पे F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कास्ट सेंटर है। इसको एस करेंगे, एस करने के बाद कास्ट कटेगा, एस करेंगे, एस करने के बाद पूरा इंटर 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 करते रहेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इसे एक्सेप्ट करने के बाद हमारी कंपनी ओपन पूर्ण रूप से ओपन की तरह दिख रही है। और यहाँ पे नो वाउचर इंटर दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ एंट्री नहीं किया है। उसके लिए हमें एस्केप की प्रेस करेंगे, गेटवे ऐप टैली के ऑप्शन में आ जाएंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे इंटर करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें लेज़र बनाना रहेगा। लेज़र क्या रहेगा, क्योंकि हमें मेंटेन कास्ट सेंटर के हिसाब से सैलरी डिवाइड करना रहता है, तो हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट लेज़र में। ये हमारा सैलरी अकाउंट लेज़र बन रहा है। यहाँ पे अंडर अंडर ये किसके आएगा, ये अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। आप इनडायरेक्ट लिखेंगे वैसे यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस पर इंटर करेंगे। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग राउंडिंग मेथड पे नॉर्मल राउंडिंग इंटर करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा सैलरी अकाउंट का लेज़र हो गया। उसके बाद इस्केप की से बैक आएंगे एक बार और कास्ट कैटेगरी में लेज़र बनाएंगे सैलरी का, क्योंकि हमें सैलरी ही डिवाइड करना है। सैलरी का लेज़र बना, एक्सेप्ट करेंगे, सैलरी का लेज़र बन गया। उसके बाद कास्ट सेंटर में जिन लोगों को हमें सैलरी देना है उनका नाम लिखेंगे हम। तो कैटेगरी किसके माध्यम से रहेगा, वो सैलरी ही, सैलरी के माध्यम से सैलरी देना। अब यहाँ पे नाम रहेगा किसको किसको हमें सैलरी देना, तो हमने यहाँ पे एक नाम रखा है राम, दूसरा भी रख लेते हैं श्याम, तीसरा कोई भी नाम रख लेते हैं, XYZ ही रख लेते हैं। तीन लोगों का नाम मैंने रखा है। ये हमारा कास्ट सेंटर का भी लेज़र क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे सैलरी डिवाइड कैसे करना है, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। और पेमेंट करना है तो ये F5 पे, आपको शॉर्टकट की में बताया है, पेमेंट के लिए ये F5 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम ये F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एस्केप की करेंगे और सैलरी अकाउंट को इंटर करेंगे। सैलरी अकाउंट मतलब कितनी सैलरी रहेगी जो तीन लोग में डिवाइड करना है। तो अभी हम फिलहाल 1 लाख ले लेते हैं। ये हमने 1 लाख सैलरी लिया, कास्ट सेंटर पहुंच रहा है, तो कास्ट सेंटर हमारा सैलरी है। सैलरी को इंटर किया, नेम ऑफ कास्ट सेंटर किसको सैलरी देना है, तो अभी हम फिलहाल पहले राम को चूज करते हैं। राम को हम दे रहे हैं 30,000, 30,000 इसको दिया, श्याम को दे देते हैं। श्याम का नाम इंटर किया, इसको हम 35 दे देते हैं, 35 दे दिया इसको। ये हमारा आ गया XYZ तीसरा नाम। आप कितने भी लोग को डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके सैलरी के हिसाब पे डिपेंड करता है। तो हमें XYZ पे अपने आप 35 आ गया, क्योंकि 35 अमाउंट अब बचा है, तो सब इसी के पास आएगा। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब हमको अपना पेमेंट देखना है कि कैसे मैंने पेमेंट किया, तो उसके लिए एस्केप की करके डिस्प्ले में आएंगे डायरेक्ट। जब हम डिस्प्ले में आएंगे
तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिख रहा है ना, ये 5 नंबर 6 नंबर पे, इस पर इंटर करेंगे। इस पर इंटर करने के बाद कास्ट सेंटर पे अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ये खुल गया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट खोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट खोलेंगे तो कास्ट सेंटर पे इंटर करेंगे और कैटेगरी समरी पे इंटर करेंगे। ये हमारा साफ साफ दिख रहा है किसको किसको मैंने सैलरी दी है। इसे कॉलम में देखने के लिए ये F12 प्रेस करेंगे और उसके लिए यहाँ पे जितना जितना ऑप्शन आपको शो करना है, कितना परसेंटेज कितना क्या, तो वो सब यस करना रहेगा, उसके बाद प्रेस कर देना रहेगा। तो ऐसा हमारा दिखने लगेगा कॉलम में इस तरह से। ये हमारा इस तरह से हमारा मेंटेन कास्ट सेंटर कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बताइए, मैं दोबारा से अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम स्किप कर लेते हैं पूरा पिछले की तरफ और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दोस्त सपोर्ट करिए, अच्छा रहेगा, आप लोग का प्यार मिले।